हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में हम आपसे शेयर करेंगे बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े अनसुलझे रहस्य के बारे में कुछ खास बातें। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये संसार रहस्य से भरा है। ऐसे ही एक रहस्य है अमरीका के दक्षिण पूर्वी तट पर बना बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ भूले से कोई जहाज पहुंच जाए तो पता नहीं चल पाता है कि जहाज को आसमान निगल गया या समुद्र। वैज्ञानिक भी बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ कौन सी शक्ति है जो जहाज को ले जाती है। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है। यहाँ पहुँचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुँचते ही ना तो जहाज मिलता है और ना ही उसके यात्री। मैरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में लापता हो गया था। 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में ये पाया गया। इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारी का कोई पता नहीं चला। शुरू में ये माना गया था कि जहाज समुद्र डाकुओं द्वारा लूट लिया गया है, लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने से डाकुओं द्वारा जहाज के लूट लिए जाने की बात साबित नहीं हो सकी। मैरी सेलेस्टी जहाज की तरह 1881 में एलिन ऑस्टिन नाम का जहाज यहां आकर गायब हो गया। एलिन ऑस्टिन नाम का एक जहाज कुशल चालकों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास रास्ते में कहीं खो गया। जब ये जहाज मिला तो जहाज पर सवार किसी व्यक्ति का कुछ पता नहीं चला। अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर G.W. बर्ली 309 क्रू सदस्यों के साथ USS साइक्लोप्स नाम के जहाज से सफर कर रहे थे। बरमूडा ट्रायंगल को पार करते समय ये जहाज कहां खो गया कुछ पता नहीं चला। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन मौसम भी अनुकूल था। क्रू के सदस्य संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक मंजर बदल गया और जहाज किस दुनिया में खो गया ये कोई जान नहीं पाया। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का लापता होना और क्रू मेंबर का गायब होना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस क्षेत्र से गुजरने वाली कई हवाई जहाजों का भी कोई पता नहीं है। फ्लाइट 19 स्टार टाइगर ईगल्स DC-3 बरमूडा ट्रायंगल में गुम होने वाले जहाजों के नाम है। इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारण पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। शुरुआती शोध की परिणाम बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है जिसमें जहाज भटक जाते हैं। जहाजों के गायब होने का दूसरा कारण ये बताया जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैसों का भंडार है। इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगता है। अफवाहें तो ये भी है कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है। एलियनों को बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। शायद ही कभी बरमूडा ट्रायंगल का सच हमें पता चले, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि ये एक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी इलाका है जहां से गुजरने का मतलब है अपनी जान को गंवा देना। तो दोस्तों, ये थे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ खास बातें। ऐसे ही नए नए जानकारियों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए।